कुछ दिनों पहले हमने आपको बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह की एक वीडियो दिखाई थी, जिसमें वो अपनी भांजी की शादी में चूड़ा ले जाते हुए नजर आ रहे थे। उस वीडियो में एक्टर ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक्टर की हालत ठीक नहीं है। वेल, अब अपने एक इंटरव्यू में 71 साल के एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक बड़ा खुलासा किया है। एक्टर ने बताया है कि उन्हें एक गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। एक्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें कोई भी इंसान बिना किसी वजह के किसी भी शब्द, वाक्य, कविता या भाषण को दोहराता रहता है। उसके मुंह से वो बार बार निकलता है। ऐसी स्थिति में वो ठीक से सो तक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बीमारी नींद में भी उन पर असर डालती है। एक्टर ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीर बीमारी है। आप चाहें तो इसे डिक्शनरी में देख सकते हैं। ये एक मेडिकल स्थिति है और इसका नाम ओनोमेटोमेनिया है। जी हाँ, ओनोमेटोमेनिया नाम की एक बीमारी ने नसीरुद्दीन शाह का जीना मुश्किल कर दिया है। बात अगर एक्टर की प्रोफेशनल लाइफ की जाए तो बता दें कि एक्टर गहराइयां में दीपिका पादुकोण के पिता के रोल में नजर आए थे। अब इस रिपोर्ट के अंत में बस इतनी ही दुआ करेंगे कि एक्टर जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि ये बीमारी न केवल उनकी निजी जिंदगी पर बल्कि उनके काम, उनकी डायलॉग डिलीवरी पर भी गहरा असर डाल सकती है। फाइनल कॉप न्यूज डेस्क।